जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। ऊपर उन बादलों को गौर से देखो मोगली, बताओ किसकी तरह लग रहे हैं? कौन सा वाला? ओह, उसकी बात कर रहे हो? बिल्कुल का की तरह। बघीरा, उठो ना, बताओ तुम्हें बादलों में कौन दिखता है? बादलों में क्या? देखो तो। हाँ, ये कौन गया? वो चील था। चील? वही बड़ा पक्षी? बड़ा ही नहीं, जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी। बड़े ही गुस्से में लग रहा था। वो कुछ ले जा रहा था। बलू, तुमने गौर किया वो क्या चीज थी? उसका खाना ही होगा, उसमें इतनी जान तो है ही, उसके पंजे इतने बड़े बड़े होते हैं। अरे, देखे ना, और तुम्हारे पैर भी। माफ करना। एक बात बताओ बलू, ये चील हमारा दोस्त है या नहीं? ये तो हालात पर निर्भर है मोगली। बस याद रखना, अगर कभी चील से सामना हो तो तुम भी उन खास डायलॉग का सहारा लेना। खास डायलॉग? और क्या, सभी जानवरों की अपनी भाषा होती है। मुझे सिखाओ ना बलू। अरे बहुत आसान है, जब कभी चील के सामने आओ तो अपना सीना तान कर खड़े हो जाना और उसके सीधे आँख में देख कर कहना पूरे जोश के साथ और भरोसे के साथ, हम दोनों एक ही खून के हैं। तुम्हें दिखा वो किस तरफ गया था? बाला, किसकी बात कर रहे हैं? बड़ा पक्षी लाली को ले गया। कहाँ गया, कहाँ गया वो? वो लाली को ले गया? शांत हो जाओ बाला, मदद के लिए हम हैं ना। पहले ये बताओ आखिर हुआ क्या? हम नदी के पास पानी पीने गए, इलाके से ज्यादा दूर नहीं थे, तभी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। कहीं लाली हवा में थी। मुझे बचाओ! लाली, मैं आ रहा हूँ। मैंने उसे नजर नहीं हटाई, पर देखते ही देखते वो मेरी बहन को बहुत दूर उड़ा ले गया। वो लाली को अपने घोंसले में ले गया होगा। और उसका घोंसला कहाँ है बलू? सभा वाले पत्थर के ऊपर, उस पहाड़ी की चोटी पर। मतलब हमें पहाड़ी चढ़कर जाना होगा? मुझे तो फिक्र हो रही है हम वक्त पर पहुँच पाएंगे या नहीं। अब जल्दी चलो बलू, किसका इंतजार कर रहे हो? नहीं नहीं मोगली, तुम बाला को इसके इलाके में ले जाओ। रक्षा और डरूका को ये खबर दो, जाओ। नहीं, ऐसा पर मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। माफ करो, ये बहुत खतरनाक है। वैसे भी बाला बहुत थक चुका है, इसे सीधे इसके घर छोड़ाओ, जाओ। चलो बाला। तुम उसे ढूंढ लोगे ना बलू? हम पूरी कोशिश करेंगे बाला। लाली को कुछ नहीं होगा, देख लेना, बलू और बघीरा उस चील की छुट्टी कर देंगे। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बातें सच निकले मोगली। यही वो जगह है जहाँ से लाली को वो उठा ले गया। घबराओ मत बाला, अब कोई खतरा नहीं है, पानी पी लो। एक बार वो पक्षी मेरे सामने आ जाए, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। मैं उसकी चोंच तोड़कर उसके पंखों पर रख दूंगा और फिर। Ah!
बचा कर उड़ो। ये तो मुसीबत का इशारा लगता है। बाला की आवाज है, लगता है कुछ गड़बड़ है। बघीरा देखो, वो मोगली को ले गया। अरे नहीं रुको, मोगली को कुछ नहीं होगा। तुमने उसे खास डायलॉग सिखाया था ना? सिखाया था? हाँ। क्यों, याद नहीं आ रहा? हाँ, पर वो पूरा नहीं सिखाया था। मुझे ही कुछ करना होगा। हम एक ही खून से बने हैं, तुम और मैं। वो खास डायलॉग क्या था? बघीरा फिर से एक बार और बता। हम एक ही खून से बने हैं, तुम और मैं, हम एक ही खून से। लगता है उसने सुन लिया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाला क्या हुआ बच्चे? वो लाली और मोगली को। हाँ? लाली, लाली नहीं है। अगर तुमने मेरी बहन को कुछ किया तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा, तुम्हारे पंख मरोड़ दूंगा। और ये चील बीना कहाँ रहता है? हम काफी दूर आ गए हैं बलू, बस थोड़ा सा और ऊपर जाना है। मैं तुमसे नहीं डरता चील, भले ही मेरी बहन तुमसे ना जीत पाई हो, पर मुझे वो खास डायलॉग पता है। वो क्या था वो डायलॉग? याद नहीं आ रहा। तुम और मैं, हम अच्छे दोस्त हैं। अरे नहीं, ये नहीं था। हम भाई की तरह हैं, खून का रिश्ता है, हम दोनों एक ही भाई हैं, एक खून, हम एक ही खून से बने हैं तुम और मैं। मोगली, लाली, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं डर के मारे गुफा में छिपी थी, तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर आ गई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को नहीं। मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए नहीं लाया हूँ। तो यहाँ लाने का कारण क्या है चील? समझाने का वक्त नहीं है, भेड़ियों के इलाके में बड़ा खतरा आने वाला है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं इंसानी बच्चे। चील, वो भेड़िये मेरा परिवार है, हम सब एक ही खून के हैं। लाली यही इंतजार करना। मोगली, अपना ख्याल रखना। बहुत बढ़िया, पहुंचने ही वाले हैं, हौसला बनाए रखना बलू। बघीरा, लाली, वाह तुम ठीक हो, पर मोगली कहाँ है? वो भी सुरक्षित है। बलू जल्दी ऊपर आओ। अपना पैर मेरे सिर से हटाओगे तभी तो ऊपर आऊंगा। शुक्र है उसने तुम दोनों को अपना खाना नहीं बनाया। चील तो कह रहा था वो हमें बचा रहा है। बचा रहा है? उसने ये नहीं बताया कि किस चीज से बचा रहा है? से वो चील मेरे बच्चों को उठा ले गया, वो यहाँ जरूर वापस आएगा। अब चलो भी रक्षा, मैं नहीं चाहता मैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी खो दूं। अब वो कोबरा भूल के भी उस नदी के पास नहीं आएगा। तुमने अच्छा सबक सिखाया उसे।
चील की मदद के बिना कुछ नहीं हो पाता। मोगली और उसने कोबरा को ऊपर से ही देख लिया था, वरना न जाने आज क्या हो जाता। वैसे ये मोगली है कहाँ? थोड़ी देर पहले तो यही था। इंतजार खत्म हुआ, मैं आ रहा हूँ। ओह मोगली, चील का इतना असर पड़ गया कि अब हर वक्त उड़ने की सोच रहे हो? ये है जादू, ये है।